बात करें तो लाइक टॉकिंग अबाउट क्लोज ट्रीज लाइक यू नो तो क्या इस बार क्या खास है इनफैक्ट लाइक कुछ ब्यूटीफुल डिजाइनर इनफैक्ट तो कुछ ब्यूटी की बात करते हैं हम तो क्या बताना चाहते हैं आई थिंक जहाँ तक ये ज्वेलरी की बात है तो मेरी पसंद ऑनेस्टली ट्रेडिशनल ज्वेलरी है क्लासिक पीसेस हैं जो कभी भी फैशन में आते जाते नहीं हैं दे आर ऑलवेज देयर टू स्टे ज्वेलरी अब हर लोग हर कोई अलग नज़रिए से देखता है कुछ लोग यूं ही ख़रीदते हैं फॉर फैशन कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस से ख़रीदते हैं जैसे कि आई बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन ज्वेलरी क्योंकि कहीं ना कहीं यू नो यू थिंक ऑफ द फ्यूचर आप लोगों की बेटियां होते हैं घर में शादियां होती हैं कहीं ना कहीं ज्वेलरी ऑलवेज इस्तेमाल होता है तो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट आप अभी ख़रीदो वही चीज़ आपको 20 साल बाद दुगनी या तिगनी अमाउंट में मिलेगी विच प्रोबेबली देन एट दैट टाइम यू कैन अफोर्ड मैं ऑलरेडी आई हैव अ सन एंड आई हैव अ डॉटर मेरी बेटी है मेरा बेटा है तो मैं अभी से ही कलेक्ट करना शुरू करती हूँ क्योंकि यही होता है कि आगे जाके फिर एकदम से जब खरीदना पड़ेगा तब लगेगा माई गॉड इट्स सो एक्सपेंसिव एंड अगर आप देखें दिवाली के समय जब धनतेरस आता है तो एक एक रीति सी एक रीति रिवाज सी बन गई है कि शगुन के तौर पे या शुभ माना जाता है कि आप थोड़ा सा सोना खरीदो या थोड़ी घर के लिए चाहे वो चांदी के बर्तन हो या कुछ हो ऐसा कि घर में बोलते हैं लक्ष्मी आती है आई बिलीव इन दैट बिकॉज टू अ सर्टन एक्सटेंट आई फील पुराने ज़माने में ना बैंक्स होते थे ना ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती थी तो लोग ज़्यादातर पैसे जमा करके सोना खरीद लाते थे या कुछ क्योंकि सबको मालूम होता था कि सोना अल्टीमेटली इंक्रीज ही होगा कभी उसका दाम घटेगा नहीं तो इट्स ऑलवेज एन एसेट तो आई थिंक दैट पर्पस इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल बाय ज्वेलरी सो फॉर मी इट्स ऑल्सो अ स्टाइल स्टेटमेंट एंड इट्स एन इन्वेस्टमेंट रविना बचपन की क्या कुछ यादें हैं दिवाली को लेके पटाखे जलाना मिठाइयां खाना क्या ज़्यादातर मुझे इतना पटाखों का जस्ट से दर गया ना आई एम सॉरी ज़्यादातर मुझे इतने पटाखों का शौक नहीं था और ना अब है और ना मेरे बच्चों को है वो छोटे मोटे जो पटाखे होते हैं अनार और फुलझड़ियाँ वगैरह बिल्कुल शौक से जलाते हैं और वो शगुन के तौर पे भी जलाते हैं और उसमें मज़ा भी आता है लेकिन वो जो लंबी लंबी लोग वो लड़ियाँ जलाते हैं वो 10-10 हज़ार की वो पता नहीं कितने कितने फीट की वो मुझे लगता है वो पैसे जला रहे हैं उधर उससे अच्छा वही पैसे आप जमा कीजिए चाहे वो 5,000 हो या 3,000 हो 1,000 रुपये भी हों उसके जाके आप किसी संस्था या किसी अनाथालय के लिए या किसी ओल्ड होम के लिए उनके लिए राशन या चावल या दाल ऐसे अनकुक्ड वर्जन में उनको जाके उनको पूछे उनकी ज़रूरतें क्या है आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी बनेगी और उनकी दिवाली भी बहुत खुशहाल यू नो जाएगी तो आई बिलीव इंस्टेड ऑफ बर्निंग मनी इन समथिंग लाइक दिस जो अल्टीमेटली पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है आप ऐसा कुछ अच्छा करें तो दुगनी खुशियां और ज्यादा दुआएं मिलेंगी दिवाली आते तो हाउ पर्सनली यू प्रिपेयर होता है लाइक या जैसे कि घर में रंगोली करना या फिर साफ सफाई करना जो लॉट्स ऑफ वर्क्स आर देयर लाइक व्हिच हैपेंस साफ सफाई तो करेक्ट साफ सफाई तो डेली होती ही है घर में लेकिन दिवाली के समय हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक स्पेशल तरीके की साफ सफाई होती है सब लगे रहते हैं घिसने में और धोने में और सब फर्नीचर बाहर निकालते हैं और वो सब सबका होता ही आई थिंक हर घर में होता है आई थिंक दिवाली में हर जब एक आप गाड़ी में कहीं ड्राइव के लिए निकलो या ऐसे भी पैदल निकलो तो एक अलग सी रौनक होती है एक अलग ही खुशियों का माहौल होता है घरों में तोरण लगे होते हैं बत्तियां दिए जल रहे होते हैं एक अपने आप में एक यू नो फेस्टिवल का एक त्यौहार का स्पिरिट होता है एंड बहुत अच्छा माहौल हो जाता है आई कम्प्लीटली इंजॉय दैट टाइम पर्सनली हाउ मच यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन रंगोली की बात करें या दिए जलाना है ना कोई ऐसी चीज जो आप खुद आई थिंक हर एवरी पर्सन हु इज हाउस प्राउड जो अपने घर को खूबसूरत रखना चाहते हैं जब तक वो अपने हाथों से ना करें उनको मज़ा नहीं आता है तो यू नो मोस्टली आई थिंक पीपल इन्जॉय डूइंग थिंग्स लाइक दैट मुझे बहुत पसंद है करना आई एन्जॉय डूइंग थिंग्स लाइक दैट मैं अपने घर को खूबसूरत देखना चाहती हूँ मैं खुद सजाती हूँ संवारती हूँ जाके देखती हूँ कि यू नो आजकल नया क्या निकला है जो
जिससे और डेकोरेशन अच्छा हो घर का, सजावट अच्छी हो घर की. तो आई जनरली गो एंड बाई थिंग्स, बट ज़्यादातर मैं नेचुरल चीज़ों में बिलीव करती हूँ, चाहे वो मिट्टी के दिए हों या चाहे कम पटाखों. आई फील वन शुड सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल एंड ट्राई एंड बी लिल मोर इको फ्रेंडली, उसमें सबका ही फायदा है. रवीना जी, किसी को गिफ्ट अगर देना हो दीपावली पे, तो क्या एक्सपेक्ट करती हैं और क्या देती हैं? देखिए, ज़्यादातर जहाँ गिफ्टों की बात हुई, ऐसे त्योहार पे सब मोस्टली शुभ चीज़ें ही देते हैं, चाहे वो दियों का सेट हो या कुछ मिठाइयों के साथ, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स के साथ, चाहे वो चांदी की कटोरियाँ हो या कुछ ऐसे हो जो काम की चीज़ हो, जो आगे लोगों को काम भी आए. ऐसे ऐसी गिफ्ट, आई थिंक थॉटफुल गिफ्ट देनी चाहिए. पिछली बार जब मेरे घर में दिवाली की पार्टी हुई थी, वो दोपहर की पार्टी थी, और जितने लोग गए तो मेरी बेटी ने और मैंने खुद अपने हाथ से तुलसी के पॉट्स दिए थे उनको, खुद कपड़े से डेकोरेट करके उनको अच्छी तरह सजा के हमने तुलसी के झाड़ सबको बांटे थे एज रिटर्न गिफ्ट्स फॉर द दिवाली पार्टी. एंड सबको वो थॉट बहुत अच्छा लगा, तो वो एक अच्छा थॉट भी है. गो ग्रीन, जितने झाड़ लगा उतना अच्छा है. एंड तुलसी एक शुभ चीज़ भी मानी जाती है, एक शुभ झाड़ है, इट्स अ मेडिसिनल प्लांट, सदियों से हर्बल प्लांट है, तो वो फायदेमंद भी है. तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ थॉटफुल गिफ्ट्स आई वुड वैल्यू मोर रादर देन समथिंग प्लास्टिकी और विच इज़ ऑफ नो यूज. कोई खास मिला गिफ्ट आपको दीपावली पे, कुछ बताएं? नहीं, इस बार तो दिवाली आनी है, तो इसके मैं पहले अगली बार बताऊंगी. इसके पहले हाँ, खास हर एक की, देखिए जो गिफ्ट होती है वो खास ही होती है. मैं ये नहीं बोल सकती उनकी गिफ्ट खास थी और इनकी खास नहीं है. जिन्होंने भी आपको कुछ भेजा है वो आपके बारे में सोच के ही भेजा है. सो अल्टीमेटली फॉर मी इट्स द थॉट दैट काउंट्स. ओके, कोई ऐसी दिवाली जो आप शूट कर रहे हो और वहां सेट पे गुजरी हो, इफ यू रिमेम्बर मैम? दिवाली ऑन द सेट्स नेवर, आई थिंक ऐसे कभी हुआ नहीं है कि दिवाली. होली ज़रूर सेट्स पे बनी है कहीं ना कहीं. आई रिमेम्बर क्षत्रिय की शूटिंग के टाइम बीकानेर में हम लोग ने होली बनाई थी, और राजस्थान की होली तो बाप रे क्या होली होती है. तो वो एक होली मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती. लेकिन दिवाली के समय आई थिंक सब अपने घरों में और अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं, तो मैंने नहीं बनाई कभी ऐसा. You design jewelries also, so जी something हाँ. you're doing something special for this No. particular No. I'm just endorsing for them right now, but maybe next year again. Okay, what happened on the professional front, ma'am? I've just finished a film called Shab, which is Onir's film. It is basically like a love story. It's not only a love story. It's a film about lots of characters. So I cannot say that I'm the main protagonist, but that film should release I think somewhere in December or early next year. I don't know when they have planned it, but now that film is complete. ओके, कुछ भी मतलब आप बहुत चुनिंदा रही हैं फिल्म चुनने के, और फिल्म चुनने की बात कर जाए बहुत चूजी रही हैं, क्या खास लगा यू सेड यस टू द फिल्म? एंड अगर आपके किरदार की बात करूं मैं तो रिलेटेड ऑनेस्टली टॉक करो। बताऊं, जी हाँ, मैं बहुत चूजी हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस समय जिस सिचुएशन में मैं अपने लाइफ में हूँ, आई एम वेरी कंटेंट, आई एम वेरी हैप्पी. आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क फॉर मेनी मेनी ईयर्स. आई एम स्टिल डूइंग इंडोर्समेंट्स, इवेंट्स, एंड आई एम स्टिल डूइंग टीवी. आई जस्ट कंप्लीटेड अ शो रिसेंटली, एंड आई थिंक द थिंग इज़ के कहीं ना कहीं एक ऐसा फिल्म भी करो तो एक ऐसी मज़ेदार फिल्म होनी चाहिए कि इट्स वर्थ लीविंग. कि ठीक है, कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ता है घर गृहस्थी भी एंड फिल्म्स भी. सो एक ऐसा चैलेंजिंग रोल मिले जो शायद मैंने कभी किया नहीं हो, या मुझे एक्साइटिंग लगे कि मैं करूं. अनफॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी ऐसी पिक्चरें छोड़ी हैं, बट आई थिंक फॉर्चुनेटली फॉर मी ऑल्सो कि देव सम ऑफ देम हैव वर्क, सम ऑफ देम हैवेंट वर्क, बट आई हैड माई रीजन्स वाई आई डेंट वॉन्ट टू डू दोज फिल्म. फॉर एग्जाम्पल अ गुलाब गैंग और समथिंग लाइक दैट, आई डेंट वॉन्ट टू डू समथिंग विच आई हैव डन बिफोर. सो कुछ ऐसा एक्साइटिंग या कुछ आता वेयर आई वुड डू समथिंग चैलेंजिंग जो मुझे अपने आप में लगे. ऑनिर की फिल्म शब मैंने इसलिए की क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली बनने वाली थी करीब 11 साल पहले विथ मी एज द मेन प्रोटैगनिस्ट एंड संजय सूरी. बट उस समय आई रिमेम्बर मेरी शादी हुई थी, एंड आई जब ऑनिर आया मुझे साइन करने, आई जस्ट गॉटन प्रेगनेंट एंड आई वॉज हैविंग माई बेबी. तो आई सेड यार आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू दिस फिल्म नाउ, आप किसी और को ले लो एंड यू गो हैड एंड मेक इट विद एनीवन.
एंड ऑनर ऑनर ने मुझे उस समय बोला था कि नहीं, मैं ये फिल्म किसी और के साथ नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो आपके साथ ही बनाऊंगा. एंड आई थिंक 10 ईयर्स लेटर जब ऑनर केम विद दिस फिल्म अगेन, ही सेड, मैंने तेरे को बोला था मैं ये फिल्म किसी और के साथ नहीं बनाऊंगा, लेट्स ब्रिंग इट आउट एंड मेक इट अगेन. एंड तो मैं ऑनर को कैसे ना बोलूँ जब 10 साल वेट कर चुका है वो मेरे लिए, वो मेरा मर्डर कर देता वहाँ पे. सो आई थिंक ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. एंड मेरा कंफर्ट जोन भी बनता है मैं अपने दोस्तों के साथ काम करूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं इस समय कंटेंट हूँ, मुझे कुछ ऐसा एम्बिशन नहीं है, मुझे कुछ ऐसा अपना करियर बनाना है ये वो कुछ नहीं है. कर लिया यार, बहुत काम कर लिया, अब कब तक करते रहेंगे. अब इट्स द टाइम फॉर द न्यू जनरेशन, फॉर द न्यू किड्स. आपके बच्चे किसकी फिल्में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और यू नो इस समय किसके बहुत बड़े फैन हैं? मिस्टर बीन के. मिस्टर बीन का नाम सुना है? वो हाँ, रोवन एटकिंसन के बहुत बड़े फैंस हैं. उनकी लाइफ में तमन्ना है, कैन वी गो टू लंदन एंड मीट मिस्टर बीन. बस दिवाली पे छुट्टियां होंगी तो आप कौन सी पिक्चर देखने जाएंगे इस बार? फिल्म कौन सी देखेंगे बच्चों के साथ? लग रही है बॉलीवुड प्रेम रतन लग रही है. Yeah, Prem Ratan is a film I definitely want to see. I love Suraj's films, and I love the, you know, clean family and, you know, the Indian traditional thing. I think it's a perfect film for Diwali. Are you planning something? You've been a producer also. No, I don't want to get into production. I'm enjoying myself, yaar. Abhi kyun kai ko tension le rahi hai production ka? I'm sorry. I'm enjoying my life right now. I don't want to live under any pressure. I'm working according to the space and time when I want to. One last thing, what message would you like to give, like, you know, Diwali? I'll just give a short bite kind of thing. Yeah, Namaskar. नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सब दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. प्लीज़ प्ले अ सेफ दिवाली, प्ले अ हैप्पी दिवाली इन द वे दैट यू मेक समवन एल्सेस दिवाली ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी. एंजॉय.